Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Welcome to this learning corridor. We all know that writing perfect English is always a problem for the non-native English writers. No matter how much experienced we become in English, there are always chances of making certain errors while writing it. We usually see that there are certain words and expressions that are wrongly written not only by the beginners but by the advanced learners too. It is essential for everyone to have the knowledge of such words and expressions so that they may avoid writing them wrong. In today's session, we are going to talk about the same, and the present video is going to be very much helpful for you if you spare just 5 minutes to watch it till the end. So you are expected to watch the video completely. You may discuss your questions and queries if you have any in the comment box below. Moreover, we hope you will like the video, share it with others, and subscribe to our channel if you haven't done it so far. Dear viewers, English is a language in which connected speech behavior is used while speaking it, and words are interconnected and joined with one another in such a way that it's not easy for us to identify where one word ends and the other starts. Yani jab English boli jati hai to usme connected speech behavior ki wajah se alfaz ko aapas mein jod ke bola jata hai. और जब हम उसे सुनते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सा वर्ड एंड होता है और कहाँ से नया वर्ड स्टार्ट होता है, कौन से दो वर्ड्स इकट्ठे हैं और कौन से अलग अलग हैं. और इस वजह से जब हम इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं तो बेशुमार दफ़ा हम बहुत से ऐसे वर्ड्स को जोड़ के लिख देते हैं कि जो होते बेसिकली अलग अलग हैं, लेकिन चूँकि हमने उन्हें इकट्ठा सुना हुआ होता है और हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये एक ही वर्ड है या अलग अलग वर्ड्स हैं. और जब दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के लिखा जाएगा, इकट्ठा लिखा जाएगा, बग़ैर स्पेस के लिखा जाएगा, तो वो ज़ाहिर है कि गलत होंगे. तो आज के इस सेशन में हम चंद ऐसे अल्फाज देखने जा रहे हैं जो होते तो अलग अलग हैं लेकिन गलती से हम उन्हें जोड़ के लिख रहे होते हैं. तो ये हमारे सामने एक लिस्ट है कि जिसमें एक तरफ कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जो आम तौर पर इनकरेक्ट लिखे जाते हैं. इनमें सबसे पहले है अ लॉट ऑफ. अ लॉट ऑफ में आम तौर पर यह किया जाता है कि अ लॉट को जोड़ दिया जाता है और ऑफ को अलग लिखा जाता है, हालांकि अ लॉट एंड ऑफ ऑल थ्री वर्ड्स आर सेपरेट वर्ड्स एंड मस्ट बी रिटन सेपरेटली विद स्पेसेस. फिर है इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ में भी इन स्पाइट एंड ऑफ तीनों को अलग अलग स्पेसेस के साथ लिखना चाहिए, हालांकि हम देखते हैं कि आमतौर पर इन स्पाइट को जोड़ देते हैं और ऑफ को अलग लिखते हैं, जो कि ऐसा करना गलत है. इसी तरह इन फैक्ट में इन और फैक्ट अलग अलग वर्ड्स हैं. ऑफ कोर्स में ऑफ और कोर्स अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको भी विद स्पेसेस लिखना चाहिए, हालांकि बहुत कॉमनली इन फैक्ट को एक वर्ड बना देते हैं और ऑफ कोर्स को एक अलग वर्ड बना दिया जाता है. इनमें स्पेसेस नहीं दी जाती, जो कि एक गलती है. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स Do, did, does जब यूज़ करते हैं तो उनके साथ not लगाते हुए बीच में स्पेस देना भूल जाते हैं. Do not को, did not को, does not को जोड़ के लिख देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए. Do not अलग अलग वर्ड्स हैं, they must be written with spaces. Did not में did और not के दरमियान स्पेस होनी चाहिए. इसी तरह does not जब लिखें तो उसमें भी डज और नॉट के दरमियान स्पेस होगी तो दुरुस्त होगा, अदरवाइज ये गलत होगा. ऐसे ही बाकी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए भी जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया जाए, कोई अदर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाए, जैसे शैल नॉट, विल नॉट,
could not, would not, should not, etc. तो इन सब में किसी भी helping verb और not के दरमियान space देनी ज़रूरी है, उनको अलग अलग words के तौर पर लिखना ज़रूरी होता है. इनमें सिर्फ एक ऐसा expression है कि जो इस rule को follow नहीं करता, इस pattern को follow नहीं करता, वो है cannot. Cannot जब लिखा जाता है तो उसमें space नहीं दी जाती. Unlike the others we have discussed so far, जब भी cannot लिखा जाए तो उसको without space लिखा जाता है. अगर can अलग और not अलग लिखा जाए तो वो गलत होगा. लिहाजा ये भी जहन में रखना चाहिए कि जब भी cannot लिखा जाए तो cannot को हमेशा जोड़ के लिखा जाए. हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है कि cannot को अलग अलग लिखते हैं, can अलग और not अलग, हालांकि इसे जोड़ के लिखना चाहिए. जबकि could not, would not, should not, do not, does not, did not को आमतौर पर स्टूडेंट्स जोड़ देते हैं, हालांकि उन्हें अलग अलग लिखना चाहिए. इंग्लिश स्पीच में कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और जब ऐसे एक्सप्रेशंस को लिखा जाए तो उनमें एपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है. लेकिन चूंकि बोलने में एपोस्ट्रोफी आता नहीं है तो हमारे स्टूडेंट्स लिखते हुए उन कॉन्ट्रैक्शंस वाले एक्सप्रेशंस को जोड़ के लिख देते हैं. मिसाल के तौर पर जब वो सुनते हैं लेट्स गो तो वो समझते हैं कि लेट्स एक अलग वर्ड है और गो एक अलग वर्ड है, और उसको लेट्स गो अलग अलग दो अलग अलग वर्ड्स लिख देते हैं. हालांकि उन्हें दुरुस्त तौर पर लिखना हो तो लेट्स में लेट के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस लिखा जाए और फिर गो लिखा जाए, या फिर फॉर्मल राइटिंग के अंदर लेट अलग, अस अलग और गो अलग लिखा जाए. अगर लेट्स गो ऐसे लिखा जाए कि विदाउट एपोस्ट्रोफी हो तो वो गलत होगा. अनदर सिमिलर एग्जांपल इज लेट्स वाई. जब लेट्स वाई बोला जाता है तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज वाई का, या तो उसे दैट इज वाई अलग अलग लिखा जाए. लेकिन अगर उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखनी है तो फिर दैट के बाद एपोस्ट्रोफी होना चाहिए और फिर एस होना चाहिए और फिर वाई, तब दुरुस्त होगा. लेकिन अगर दैट्स को अलग एक वर्ड बनाया जाए और फिर वाई लिखा जाए तो ये गलत होगा. तो ये थी चंद ऐसी गलतियां जो हम आमतौर पर इंग्लिश लिखते हुए अनकॉन्शियसली या अननोइंगली कर रहे होते हैं और इनसे अवॉइड करना ज़रूरी होता है. उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज़.